हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं रोहित राज मोटिवेशन चैनल से एक यूट्यूबर मालती चौहान की व्यूज के चक्कर में कैसे हुई मौत। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ये मतलब न्यूज जो है मैंने अभी कुछ टाइम पहले देखी थी। ठीक, तो आज हम पूरी वीडियो देखने वाले हैं, समझने वाले हैं क्या था, कैसे था और क्या चक्कर था इस चीज का। ठीक है, क्यों उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ गया? लाइक सब कह रहे हैं सुसाइड है ना, कोई कह रहा सुसाइड है, कोई कह रहा कि हाँ मारा गया है। चलो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, डू चेक इट आउट। और क्या ऐसे पूरा है, चीजें उलट गया, ऊपर मुंह चला गया। लगता है ऐसे दावा होगा तभी तो छपतिया होगी। मेरे दोस्त, आपने अभी न्यूज सुना होगा कि मालती चौहान ने सुसाइड कर लिया। आखिर क्या रीजन था मालती चौहान ने सुसाइड किया? मालती चौहान जिनके चैनल पे 6 लाख सब्सक्राइबर, और इनके पति मिस्टर विष्णु राज इनके चैनल पे है 6 मिलियन सब्सक्राइबर। इनके हर एक वीडियो में लाखों में व्यूज था। मामला मालती चौहान का लव स्टोरी, सबसे ज्यादा टारगेट में यही था। क्योंकि मालती चौहान ने क्यों सुसाइड किया, इसका सबसे बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है कि इनकी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम थी। अब आखिर प्रॉब्लम क्या थी, उन प्रॉब्लम की वजह क्या थी? और ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि सोशल मीडिया के दबाव की वजह से, मतलब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। तो मालती चौहान जो कि विष्णु राज से शादी किए, जाकि एक लव मैरिज भी शादी कर सकते हो, लव मैरिज शादी किए थे। ठीक, उसके बाद शादी होने के बाद मालती चौहान और विष्णु राज को एक लड़का होता है, ठीक है, जिसका नाम युवराज रखा जाता है। अब इतने साल होने के बाद मालती चौहान को प्यार हो जाता है एक दूसरे बंदे से जिसका नाम था अर्जुन। तो मालती चौहान ने अर्जुन के साथ रहने का फैसला किया। तो आज एक से दो हफ्ते पहले अगर देख लें, तो आज से दो हफ्ते पहले एक वीडियो अपलोड होता है विष्णु राज के चैनल पे, जहां पर रात के 12 बजे एक मंदिर में विष्णु राज खुद खड़े होकर अर्जुन और मालती से विवाह कराते हैं। अब ये मामला सबसे ज्यादा सुर्खियों में था, सबसे ज्यादा लोगों की नजर में था। और सोचो एक औरत जो अपने पति के सामने अपने पति के रहते भी हुए दूसरे मर्द से शादी करती है। येलो कलर का कौन सा सिंदूर होता है? वो हनुमान जी वाला पीला सिंदूर तो देखा है। जिस वजह से भाई यूपी बिहार में ये सब बहुत सेंसुअली लिया जाता है, हर एक राज्य में लिया जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि अपने इंडिया में सबसे ज्यादा होता है इमोशन। तो वो मामला सुर्खियों में था, जिस वजह से मालती चौहान के पास बहुत सारे इंटरव्यू लेने के लिए लोग भी जाते थे, सोशल मीडिया पे भी जाते थे। तो मालती चौहान इस सबसे परेशान हो गई थी। तो इनका यह कहना था कि भाई इनका इंटरव्यू ना लो। इन्होंने हाल ही की वीडियो में भी यह बताया था कि ये ऊब चुकी हैं भैया पॉडकास्ट से, या फिर लोगों जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, जो न्यूज वाले हैं। कि मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मुझसे इंटरव्यू ना लीजिए, क्योंकि हम टूट चुके हैं पूरी। जिस वजह से अपना मायका छोड़कर ये अपने बहन के साथ रहती थी, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। उसके बाद ये कहते हैं कि अब शादी होने के बाद, अर्जुन से शादी होने के बाद, ये दोबारा अपने पति जो विष्णु राज हैं उनके पास जाते हैं रहने के लिए। और चाहे वो मार डालेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, चाहे किसी को भी दे दें, मुझे कुछ भी करें, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल अपने पापा के साथ। तो दोस्तों मेरा हक वही बनता है, क्योंकि घर मैं बनवाई हूँ। ठीक, अब मामला यह होता है कि कल रात को शायद विष्णु राज और मालती चौहान के बीच में क्या हुआ होगा, ये कोई नहीं जानता। ठीक है, तो विष्णु राज का कहना है, मालती चौहान ने यह बोला कि मुझे अर्जुन से शादी करना है, कुट मैरिज करा दो। ठीक, एक बार मंदिर में विवाह होने के बाद दूसरी बार ये बातें हैं जो विष्णु राज बता रहे हैं अपनी वीडियो में। और उसके बाद फिर ये बोली कि मैं बोला ठीक है भाई, जब ऐसा बात है तुम्हारा इच्छा मैं पूरा कर दूंगा, कहना हमारा कुट मैरिज करवा दो, हमें 1 लाख रुपया दे देना बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो वहां पर विष्णु राज ने बोला ठीक है। तो विष्णु राज जब सोने के लिए गए, तो मालती चौहान ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, आप स्टूडियो में चले जाओ सोने के लिए। तो लगता है स्टूडियो का कुछ दूर है, तो जो विष्णु राज हैं वो स्टूडियो में सोने के लिए चले गए। अब सुबह यह न्यूज आती है कि मालती चौहान अपनी साड़ी से सुसाइड कर लेती। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका मुंह दबा के मारा गया है, कुछ लोग बहुत सारे, देखो गांव में होता है ना कि तर्क वितर्क करने वाले बहुत हैं। बहुत है, करिया नम का रखा हो गया इतना दूर, हाई अंदर खाई बुझा सा चीतिया है, ऐसे मुंह फूल गया है। और क्या ऐसे पूरा है, चीजें उलट गया, ऊपर मुंह चला गया। तो देखो कोई तभी तो जो भी मतलब लटकाया जाता है,
लटकता है, लेकिन इसका निष्पक्ष जांच जो है पुलिस करेगी क्योंकि आप और हम जो दूर से हमने सुना वही मैंने आपको बताया। तो न्यूज यही है कि यार मालती चौहान ने सुसाइड कर लिया। अब इसका सबसे बड़ा रीजन क्या पता है, जब आप व्यूज के लिए, जब आप चंद सब्सक्राइबर के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्राइवेट लाइफ को जब पब्लिकली लाओगे तो उसमें किसी यूट्यूबर की गलती नहीं है और न्यूज वाले की गलती नहीं है जो इंटरव्यू लेता था, कोई किसी की गलती नहीं, क्योंकि आपने मालती चौहान और विष्णु राय व्यूज के लिए न्यूज वालों को पर्सनल लाइफ जो बहुत प्राइवेट लाइफ होती है वो यूट्यूब पे ला दी है। और जब मालती चौहान अपने पति को छोड़कर चली गई अपने माइक के, तो वहां पर भी लोगों ने कमेंट किया, भाई लोग भावुक होते हैं, कमेंट किया कि तुम अपने पति के पास जाओ, तुम ऐसी औरत हो, ऐसी औरत हो, होता है ना, तर्क वितर्क होने लगा, जिस वजह से तंग हार के मालती चौहान ने डिसाइड किया कि अपने पति के पास रहेंगी। अब ये कल रात का मैटर क्या हुआ, क्या रीजन है, इसका भी कोई खुलासा नहीं है। लेकिन मैं कहने का मतलब यही था, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप लोग व्यूज के लिए यह ध्यान धरो, कोई भी गलत कदम ना उठाओ। शायद अगर मालती चौहान या फिर विष्णु राज, ये दोनों लोग अपने पर्सनल लाइफ को, भले यूट्यूबर थे, अपने पर्सनल लाइफ को अगर YouTube पे ना लाते तो शायद इतना दबाव नहीं पड़ता, मानसिक तनाव इतना नहीं बनता। ठीक है, आसान तरीके से, आसान भाषा में ये दोनों लोग, ये तीनों लोग कर लें, अपना अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, चाहे मालती अर्जुन से शादी करते, चाहे विष्णु राज के साथ रहते। ठीक है, विष्णु राज का मन है भाई, रखते हैं या ना रखते। तो यहाँ पर कुछ गलती मालती चौहान की भी है, ठीक है, विष्णु राज की गलती क्या है आप लोग कमेंट में जरूर बताओ, क्योंकि उस बंदे ने पहले बता दी भाई शादी कर लो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वीडियो में, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता। ठीक है, तो हमारे सामने आधी अधूरी चीजें परोसी जाती हैं वीडियो में भी, तो बाकी आप लोग अपना खुद तर्क वितर्क कर सकते हो। ठीक, इतने में तो आगे ही आप लोग, बाकी यार कहना यही है कि कभी भी पर्सनल लाइफ को यूट्यूब पे मत लाया करो व्यूज के लिए, और ना ही किसी दूसरे पर्सनल, दूसरे बंदे की पर्सनल लाइफ पर छोटी मोटी गलती से निकल भी गया तो उसके साथ ज्यादा खिलवाड़ मत करो व्यूज के लिए, क्योंकि यार व्यूज आएगा कल चला जाएगा, लेकिन एक व्यूज के चक्कर में किसी की लाइफ ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो बाकी चैनल पर न हो यार सब्सक्राइब करना। बाकी ये न्यूज तो बताकर मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि किसी के लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो यार यहाँ पे ये वीडियो खत्म। और देखो बहुत सारी चीजें हैं वो कहने सुनने वाली होती हैं, है ना, कितना ही कह लो कितना ही सुन लो। और मैं कह रही हूँ आप जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारे लोग यार कितने नुकसान झेलते हैं, कितने किसके फायदे होते हैं, ठीक कैसा भी हो जाए, लेकिन लाइफ इतनी प्रेशियस होती है, लाइफ इतनी ज़्यादा कीमती होती है, ऊपर वाले ने तुम्हें इंसान बनाया है इस चीज़ का, तुम्हें रोज़ शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना। और उसको तुम ऐसे कुछ चीज़ों के लिए अगर वेस्ट करोगे तो फिर वो तो फिर गलत बात हो जाएगी, है ना, वो तो फिर बेइज्जती हो जाएगी, ऊपर वाले की ही बेइज्जती हो गई, भगवान की ही बेइज्जती हो गई, है ना, कि तुमने उनकी दी हुई ज़िंदगी की कद्र नहीं की, है ना। तो देखो अभी यहाँ हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन्होंने मतलब खुद को मारा है, आत्महत्या की है या फिर उनको मार कर लटकाया गया है, ये सब पोस्टमार्टम में सामने आ जाएगा। ठीक है, पोस्टमार्टम जब होता है तो सब कुछ चीज़ें बाहर आ जाती हैं कि क्या कैसे हुआ है। ठीक, एक इंसान जब खुद लटकता है तो उसके बाद उसका जो अपेयरेंस होता है वो अलग होता है, और जब मार कर लटकाया जाता है वो चाहे कितना ही कोशिश कर ले कि हाँ ये दिखाने की कि हाँ ये इसने खुद सुसाइड किया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा चीज़, ऐसा जो सबूत होते हैं वो छूट ही जाते हैं ना, पता चल जाता है सबको। तो बात तो यही है, देखो यार जब तुम अपनी ज़िंदगी को फुटबॉल बना लोगे, है ना, मैं ये नहीं कहती कि आप डेली व्लॉगिंग में अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के सामने मत रखो, ठीक, पर्सनल लाइफ को रखो, बिल्कुल रखो, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक, एक लिमिट होती है, लाइक अपनी फैमिली से आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, इट्स ओके, अपनी फैमिली से आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, अपने डेली चॉर्स दिखा रहे हो, ठीक है कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं, लेकिन व्यूज़ के लिए अपनी ज़िंदगी का खिलवाड़ मत बनाओ, अपने बच्चे का, अपने हस्बैंड का, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का, उसका खिलवाड़ मत बनाओ। आज तुम्हें ये चीज़ है, चलो रियलाइज़ हो गई, कुछ टाइम बाद तुम्हें दूसरे से प्यार हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, शादी, लेकिन
लेकिन तुम्हारे अंदर फिर इतने गट्स होने चाहिए थे अगर, क्योंकि यार इंडिया में ये सब चीज़ें माने नहीं है, तुम बाहर देश में होता होते तो समझ में आता था ठीक, लेकिन इंडिया में ये सब चीज़ें आज भी बहुत ज़्यादा टैबू बातें हैं, है ना, बहुत ज़्यादा टैबू बातें हैं कि हाँ एक इंसान को अगर किसी और से अट्रैक्शन हो गया, किसी और से प्यार हो गया, तो फिर वो फिर औरत के चरित्र पर भाई बहुत बड़ा दाग लग जाता है ठीक। तो वही चीज़ है, अगर तुम्हें हो भी गया था, तुमने दूसरे के साथ मान लो शादी भी कर ली व्यूज के लिए कि काहे कैसे भी की, लेकिन फिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी कि अपना जो रिश्ता तुमने दोबारा बनाया था उसे निभाते, है ना, और या फिर अपने पहले पति के साथ ही तुम लॉयल रह सकती थी, है ना, अपने भाई पति के साथ जिससे तुमने लव मैरिज की थी उससे अगर तुम लॉयल नहीं रह सकती फिर दुनिया में और किससे लॉयल रहोगी, बात तो वही है। इसलिए अभी तुम्हारे बच्चे पर भी वही असर पड़ रहा है, इतनी छोटी सी एज में वो चल बसी हैं, तो सोचो अब उस बच्चे का क्या होगा। मैं सबसे ज़्यादा कंसर्निंग पता है किसके लिए हूँ, सबसे ज़्यादा कंसर्न किसके, उस छोटे से बच्चे के लिए, वो छोटा सा बच्चा युवराज जो अभी बोलना तक नहीं जानता, जिसे दुनिया का कुछ भी आगे पीछे अता पता कुछ नहीं पता, वो आगे चल बड़ा होगा तो उससे जब चार लोग सवाल पूछेंगे कि हाँ तुम्हारी माँ ने ऐसा कर लिया, तुम्हारी माँ ने वैसा कर लिया, तुम्हारे जो फैमिली बैकग्राउंड है तुम्हारा वो ऐसा है, वो ऐसा रहा है, उसके उसका ट्रॉमा उसको कितने दिन तक हॉन्ट करेगा, क्या किसी को ये चीज़ अंदाज़ा है? नहीं। लेकिन नहीं, बस वही है कि व्यूज़ के लिए हमने कभी इधर शादी कर ली, कभी उधर शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ये आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा, कि डेली ब्लॉगिंग के नाम पे ना ये बस शादी कर रहे हैं, प्रेग्नेंट हो रहे हैं, शादी कर रहे हैं, प्रेग्नेंट हो रहे हैं, भाई ऐसा लग रहा है जैसे शादी और बच्चा नहीं हो गया, ये खाली कंटेंट बनकर रह गया है ना। तो बस ये चीज़ है भाई, तुम जो भी अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक के सामने डेली ब्लॉगिंग के रूप में रखते हो उसे एक लिमिट में रखो, है ना, एक लिमिट में। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, और बस यार देखो मरने के बाद किसी को क्या ही कोई कह सकता है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जो भी उनके कर्म थे वो यहीं रह गए, है ना, और उन कर्मों का ही हिसाब होता है आगे। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।